अस्सलाम असल क्या हाल है आप सब के उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज जी मैंने जब पर्दा खोला तो बाहर आप सुबह का नज़ारा देखें कितने हसीन रंग है ना मतलब ऐसे जैसे कोई खूबसूरत सी पेंटिंग की हुई हो हम इंसान तो इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाए ना तो कैनवस पे इतने हसीन रंग और कॉम्बिनेशन उतार नहीं सकते जैसे अल्लाह ताला हमें दिखाते हैं तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह करते हुए जो है वो सुबह का आगाज़ हुआ बच्चों को स्कूल छोड़ा स्कूल छोड़ने के बाद अपनी वॉक पर निकल गई हेलोवीन की तैयारी है हर जगह पर कही कहीं ना कहीं पम्पकिन पड़े हुए नजर आ ही रहे हैं तो ये लोग बड़े क़ो शौक़ से और ज़ोरों शोर से थैंक्स गिविंग और हेलोवीन मनाते हैं और वॉक करना आजकल मैं प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम दिन रह गए हैं वॉक करने वाले और जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी तो भाई मेरी वॉक भी बंद हो जाएगी हालांकि अक्सर साइड वॉकस ख़ाली होती हैं लेकिन फिर भी अगर आप दूर वॉक करने जाएं तो पता नहीं होता कि किसके घर के सामने का वॉक जो है वो क्लीन नहीं है और ब्लैक आइस से तो मैं तीन दफ़ा गिर चुकी हूँ तो अब तो मैं बहुत ही घबराती हूँ कि घर से दूर कहीं वॉक कर रही हूँ और वहीं पर टपक जाऊँ तो कौन उठाएगा लेकिन बहरहाल सर्दी हो या गर्मी अपने आप को थोड़ी हवा लगाती रहनी दे चाहिए ताकि थोड़ा दिमाग भी खुला रहे यहाँ पे तो बुज़ुर्ग हों बच्चे हों बाहर ज़रूर निकलते हैं हर मौसम में तो जी हम घर आ गए और घर आके हमने किया नाश्ता और नाश्ते के बाद तैयारी की हमने अपना खाना पकाने की और चूँकि आज मेरा प्लान है कि मैं पास्ता और बेक्ड फिश बनाऊँगी और फ़िश लवर्स के लिए बस उनको पसंद नहीं आएगी ये बात मुझे फ़िश नहीं अच्छी लगती तो माजरत आप सब से तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए थोड़ी सी भिंडी बना लूँ तो मैंने प्याज़ और भिंडी को जो वो फ्राई फ्राई करके रख लिया है और बाकी जो घर वाले हैं उनके लिए बनेगा पास्ता और उसके साथ बनेगी फ़िश और आज हमने एक जगह खाने पर भी जाना है तो ज़रा ज़्यादा अहतमाम नहीं कर रही मैं कि बड़ी सी कोई चीज़ बनाऊँ और ये मज़ेदार खूबसूरत से टमाटर जो है वो मेरी दोस्त के घर से आए हैं सुबह अल्लाह कितने खूबसूरत कलर है ना आज वैसे मौसम के रंग भी कुछ मुख्तलि हैं मुझे लगता है कि आज जो है ना वो या बारिश होगी या पता नहीं क्या होगा बस अलग ही है आसमान का रंग और जी यहाँ पे ज़ीरा कलौजी और राई जो है वो खूब उछल कूद कर रहे हैं शोर मचा रहे हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर थोड़ी देर इनको पकने देंगे और इसी असना में बाहर से बहुत शोर की आवाज़ आ रही है तो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है जब मैंने बाहर जाके दरवाजा खोला तो आप देखें कि क्या हो रहा था ये दबा दब ओले पड़ रहे थे मैं आपसे कह रही थी ना आज सुबह से ही मौसम के रंग ढंग थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ओले मैं आपको क्लियरली दिखाऊं और अगर आपको इस सीन में नज़र आ रहे हो कि किस तरह और किस स्पीड से ओले गिर रहे हैं बस अब सर्दियों की तो आमद आमद ही है और जी उन कड़कड़ाते कर हुए टमाटरों और ज़ीरों के ऊपर जो है वो मैंने नमक मिर्च हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है यकीन करें कुछ और नहीं डाला नमक मिर्च हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च इसको थोड़ी देर पकाएं टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे गल जाएंगे पक जाएंगे इसके अंदर आप अपना फ्राइड चूडा प्याज और भिंडी इन दोनों को शामिल कर दीजिए और शामिल करने के बाद जो है वो इन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर लें लेकिन भिंडी पका रहे हैं कुश्ती नहीं करनी है भिंडी के साथ जरा हाथ हौला रखना है वरना भिंडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो थोड़ा खुला रख के हल्की आंच पे छोड़ दीजिए थोड़ी देर में जो है वो अपना घी छोड़ देगी थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए लेमन जूस डालें और मेरे लिए भिंडी तैयार है तो भाई मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी मैं इसी तरह पका लेती हूँ और प्याजों के साथ अपने लिए पकाती हूँ क्योंकि मेरी औलाद तो प्याज के साथ खाती नहीं तो बस जी ये थी मेरी भिंडी और यहाँ पर जो है वो पास्ता उबल रहा है इस रेसिपी में आप किसी भी तरह का पास्ता यूज़ कर सकते हैं मैंने वो चपटा वाला फ्लैट जिसको शायद फैटूचीनी कहते हैं उसको यूज़ किया आप चाहें तो नॉर्मल स्पिगैटी या फिर किसी मैक्रोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये रेसिपी भी है मेरे चैनल पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी तो बिल्कुल परेशान ना हो और यहाँ बना रही हूँ मैं वाइट सॉस वाइट सॉस के लिए मैंने थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा तेल जो है वो गर्म किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया है मैदा दो टेबल स्पून मैदा है इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी मैदे का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा वो अच्छी सी खुशबू आएगी और वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा तो बस आपने उसके अंदर दूध डाल देना है दूध आप ज़रूर इसमें गर्म ही शामिल करें बस उसके बाद अब अच्छी तरह से उसे घुमाते रहें विस्क से तो वो गाढ़ा हो जाएगा उसके अंदर आपने नमक मिर्च और ऑरिगैनो और एक जो है वो मैंने चिकन का क्यूब डाल दिया ताकि इसका फ़्लेवर अच्छा हो जाए अच्छा नमक और काली मिर्च हमेशा ना मिला के डाला करें वाइट सॉस में देखें जैसे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का आपने नोट किया है ना अगर आप सूप्स में या किसी चीज़ में डायरेक्ट डालें तो उसके छोटे छोटे से लंप्स बन जाते हैं यहाँ पे देखें अगर आपको काली मिर्च का कोई लम्प नज़र आए बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको नमक के साथ मिला के डाला है तो अंदर जाते ही नमक जैसे ही पिघलेगा आपकी काली मिर्च कभी भी नहीं नज़र आएगी वो भी साथ में मिल जाएगी अब आपने कमेंट में मुझे बताना है कि क्या यह ट्रिक आपको पहले से पता थी या आपने मुझसे सीखी है अगर मुझसे सीखी है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैं बहुत खुश हो जाऊँगी क्योंकि मैंने तो तजुर्बे से सीखी है तो जी यहाँ पर जो है वो लेसन को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है मैरिनेशन में नमक मिर्च हल्दी काली मिर्च धनिया पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन लेमन जूस ऑयल और ये गार्लिक जो क्रश किया था ताज़ा ताज़ा ये सब मिक्स करके अच्छी तरह से जो है वो फ़िश फिले पे लगा दिया है थर्टी मिनट्स के लिए जो है वो मैं इसको रखूँगी और उतनी देर में मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाऊँगी उसके बाद फ्री हीटेड अवन में फ़ोर हंड्रेड में इसको मैं थर्टीन मिनट्स तक रखूँगी यकीन माने जब तक बच्चे कपड़े चेंज करके के आएंगे ये फ़िश बेक हो जाएगी सॉस आपने गरम किया और उसके अंदर जो बॉयल शुदा पास्ता है उसको अच्छी तरह से मिला दिया नमक थोड़ा सा चख लीजिए ज़बरदस्त किस्म का पास्ता तैयार है क्या ख़्याल है है ना आसान खाना कुछ दिन पहले मैंने आपको सैमिन की एक और रेसिपी दी थी वो लेमन बटर के साथ थी वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है इसमें थोड़ा सा देसी टच है क्योंकि मिर्चें मसाले मैंने डाले हुए हैं तो इसका भी एक अपना ही फ्लेवर होता है यकीन माने इससे क्विक कुछ भी नहीं होता चले जी उसके बाद हमने तैयारी पकड़ी है और हमने जो है वो जाना है किसी के घर ज़बरदस्त सा खाना खाने के लिए और जाहिर है सिर्फ खाना नहीं खाना था मिलना भी था तो हम किसी के घर पहुँचे हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था जो जकर खैर जो लोग हमें इनवाइट करते हैं हमारे लिए अहतमाम करते हैं अल्लाह ताली उनके रिस्क में बरकत दे और ख़ैर वाफियत से रखे तो जी मौसम बहुत अच्छा था वीकेंड पे जो है वो आपको पता ही है जब धूप निकल आए और बाहर बैठने में थोड़ी आसानी हो तो अच्छा ही लगता है तो बस थोड़ा सा उन्होंने बारबेक्यू का प्लान किया हुआ था ज़रा सा बारबेक्यू उनके बैकयार्ड में किया गया बच्चों ने भी बड़ा इन्जॉय किया बैकयार्ड को और हमने भी बहुत इंजॉय किया ज़बरदस्त किस्म का खाना था मेन्यू बहुत अच्छा था खाना बहुत ज़बरदस्त था और देखें असल बात वही जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कंपनी अगर आपको बैठ के बातें करने में मज़ा आ रहा है तो बस आप कुछ भी खाएंगे आपको मज़ा आएगा और किसी ऐसी कंपनी में हैं आप जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते आप हंस बोल नहीं सकते तो वहाँ पे मनोसल्वा भी उतरा होगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो जी लाइफ लेसन ये है कि अच्छे लोगों को ढूँढिए जिनके साथ बैठ के आपको मज़ा आए जो लोग नेगेटिव हों उनसे दूर भाग जाइए और ये इस ज़बरदस् दावत का अख्ताम हुआ ज़बरदस्त कश्मीरी चाय पे और जजाकला इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए और जी मगरिब के टाइम जो है हमने इनके घर से रवानगी पकड़ी और आप यकीन करें जो हमारे साथ हुआ आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला है मेरे बड़े बेटे ने जो है वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस में दूसरे शहर जाना था तो जी उन्होंने हमारे बाद निकलना था घर से हम तो पहले लंच के लिए निकल गए और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो अफरा तफरी और हबड़ दबड़ में अब देखिए ये मैं नहीं बताऊँगी कि इसमें मेरी कितनी गलती है तो बस चाबी कहीं घर में रह गई और जब हम इस दावत से घर वापस पहुँचे तो ताला खोल ही नहीं सकते थे हम घर में एंटर ही नहीं हो सकते थे तो जी काम आए हमारे दोस्त हमें उठा के अपने घर ले गए ग्यारह साढ़े ग्यारह तक हमने वहाँ पे गप्पे मारी हाँ बस मुख्तसर सी ट्रेजिडी ये थी कि उनका जो नया नया डॉगी है वो बेचारा मुझसे डरता रहा और मैं उससे डरती रही वो गरीब मुझे ही देखता रहा सारा टाइम और मैं उसे ही देखती रही कि बस हम दोनों एक दूसरे से डरते और डराते रहे तो जी जजाकला ख़ैरामियाँ सब सबको अच्छे नेक दोस्त अता फ़रमाए जो उनको ज़िंदगियों में आसानियाँ दें अला आपके अजीज़ों रिश्तेदारों को तोफ़ी दें कि वो आपको आसानियाँ दें और आपको तोफ़ी दें कि आपकी से किसी को कभी कोई मुश्किल ना पड़े तो जी आपने कामेंट में ज़रूर बताना है कि आज का ब्लाग कैसा लगा और फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में अल्ल